ब्रह्मास्त्र में कटरीना करने वाली थी काम, लेकिन ऐसे बिगड़ गई बात। इन दिनों रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में एक साथ काम कर रहे हैं। आयान के डायरेक्शन में बन रही आलिया और रणबीर की इस फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये वही फिल्म है जिसके सेट पर रणबीर और आलिया का इस परवान चढ़ रहा है। लेकिन आपको पता है कि पहले आयान मुखर्जी की फिल्म में रणबीर की एक्स गर्ल फ्रेंड और आलिया की बेस्ट फ्रेंड कटरीना कैफ काम करने वाली थी। आयान मुखर्जी पहले ब्रह्मास्त्र में आलिया की जगह कटरीना को हीरोइन बनाने वाले थे। जब रणबीर और कटरीना साथ थे उस दौरान कटरीना कैफ की भी आयान मुखर्जी के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। कुछ साल पहले कटरीना और रणबीर के फेमस इबिजा वॉकेशन के दौरान भी आयान मुखर्जी इन लव बर्ड्स के थे साथ मौजूद थे। इसके अलावा आयान अक्सर कटरीना और रणबीर से मिलने के लिए उनके कार्टर रोड वाले घर पर भी जाते रहते थे। सिर्फ यही नहीं, ब्रेकअप के बाद जब कटरीना और रणबीर के बीच जगा जासूस के सेट पर फासले बने रहते थे तो उस दौरान आयान मुखर्जी वहां पहुंचकर दोनों के बीच सिचुएशन नॉर्मल करते थे। जब से कटरीना ये पता चला कि आयान मुखर्जी करण जौहर के साथ मिलकर एक बड़े बजट की साईफाई फिल्म बनाने वाले हैं जिसमें वो लोग रणबीर कपूर को कास्ट करने वाले हैं, तो कैट ने भी इस फिल्म में जगह बनाने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिया था। कटरीना ने तो डायरेक्टर आयान मुखर्जी को इस बात के लिए तैयार भी कर लिया था। ब्रेकअप के बाद रणबीर और दीपिका के साथ ये जवानी है दीवानी बना चुके आयान को लगा था कि वो रणबीर को कैट के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर करने के लिए राजी कर लेंगे। जगह जासूस के प्रमोशन के दौरान रणबीर ने जमकर कटरीना की शान में कसीदा पढ़ा था। इसको देखकर आयान का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था। लेकिन अफसोस, जब आयान ने रणबीर कपूर से कहा कि वो कटरीना को उनके साथ ब्रह्मास्त्र में कास्ट करने जा रहे हैं तो रणबीर ने आयान से फिल्म छोड़ने की बात कह दी। लिहाजा आयान कटरीना को फिल्म में कास्ट नहीं कर सके।